नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरोज कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने बच्चों को डायरिया यानी दस्त से बचा सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि बच्चों में जो डायरिया है वो बहुत ही कॉमन है, बार बार बच्चे को डायरिया होते रहता है। तो ऐसा क्या करें कि आपके बच्चे को बार बार डायरिया ना हो, क्योंकि बार बार डायरिया होने से बच्चा कमज़ोर पड़ जाता है। बच्चों में बार बार डायरिया होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे रख रखाव में, बच्चों के रख रखाव में लैकिंग है, या कहीं ना कहीं हम हाइजीन पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि आपके बच्चों को बार बार डायरिया ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहें, ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें। शुरू के 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दें, 6 महीना के बाद उसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग दें। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब होता है घर का बना हुआ होममेड फूड्स, और साथ में माँ का दूध भी पिलाते रहें। कहने का मतलब है कि शुरू के 6 महीना में सिर्फ माँ का दूध दें, और 6 महीना से 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध भी दें और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी घर का बना हुआ खाना भी दें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बच्चों में जो आप पानी यूज़ करते हैं, चाहे वो पिलाने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए, वो शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। तो इसके लिए आप फिल्टर का पानी यूज़ कर सकते हैं या RO का पानी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में फिल्टर नहीं हो तो आप पानी को बॉयल कर लें और फिर उसे ठंडा कर बच्चों को दे सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में जो भी आप खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, उसमें हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखें। उसमें यूज़ किया हुआ पानी स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। बच्चों को कभी भी बॉटल फीडिंग नहीं कराएं, क्योंकि बॉटल फीडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है और बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। तो आप उसे बॉटल फीडिंग ना कराएं और कोशिश करें कि कप से या कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं, क्योंकि कटोरी चम्मच से कंपैरेटिवली इजी होता है साफ़ सफाई का ध्यान रखना, हाइजीन का ध्यान रखना। बच्चों को कभी भी पेसिफायर या डमी निपल या टीथिंग रिंग्स न दें। कोई कोई बच्चे ज़्यादा रोते हैं तो पेरेंट्स पेसिफायर मुंह में डाल देते हैं ताकि बच्चा चुप रहे। दांत निकलते समय बच्चों में के मसूरों में इरिटेशन होता है, तो वैसे स्थिति में बहुत सारे पेरेंट्स बाज़ार से टीथिंग रिंग खरीद कर लाते हैं और वो देते हैं। लेकिन आप जानिए, ये सारे चीज़ कॉन्टामिनेटेड होते हैं और ये सारे चीज़ इन्फेक्शन का जड़ होता है। इससे बच्चों में इन्फेक्शन फैलता है, बार बार डायरिया होता है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, और जिसमें हैंड वॉशिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप अपने हाथों को अच्छे से साफ करें, अच्छे से साबुन और पानी से साफ करें। आप जब बच्चे का पॉटी साफ करते हैं उसके बाद अच्छे से हाथ साफ़ करें, आप बच्चों का खाना बनाने जाते हैं उससे पहले अपना हाथ साफ़ करें, आप बच्चों को खिलाते हैं उससे पहले अपना हाथ साफ़ करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आप बच्चों का भी हाथ बार बार साफ़ करते रहें। बच्चों को जो टॉयज देते हैं खेलने के लिए, उसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा बार बार अपना गंदा हाथ, अपना गंदा टॉयज मुंह में लेता है और इससे इन्फेक्शन होता है और डायरिया होता है। तो बच्चों के हाथ और टॉयज, इस दोनों की सफाई का भी ध्यान रखें। बच्चा जब पॉटी करता है तो उसे इमीडिएटली साफ़ कर दें, क्योंकि अगर आप उसे छोड़ देंगे तो उस पर मक्खियाँ बैठेगी, फिर वो मक्खियाँ घर के फूड आइटम्स पर जाके बैठेगी और इससे भी कॉन्टामिनेशन होगा। तो यथाशीघ्र बच्चों का पॉटी को क्लीन करें और उसके बाद हाथ को धोएं।
जितने भी पके हुए खाने हैं बच्चों के लिए आप यूज़ करते हैं उसको हमेशा ढक कर रखें ताकि उसमें कॉन्टामिनेशन नहीं हो और मक्खी ना लगे। और साइंस के एडवांसमेंट के साथ हमारे पास डायरिया से बचाव के वैक्सीन भी अवेलेबल है, डायरिया का टीका भी अवेलेबल है, तो आप अपने बच्चों को डायरिया का टीका ज़रूर पिलाएं। यह डायरिया का टीका मुंह से पिलाया जाता है, तो अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चों को डायरिया कम से कम या ना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।